Today we will start chapter 12, that is identities, from Selina Kansai's for class 8 for ICSE. First two exercises we have already done, so today we will start exercise 12C. उससे पहले बेटा I will discuss the identities that we have done. First identity, that is x plus a into x plus b. या आराध्या, x plus a into x plus b is equal to? ए स्क्वायर प्लस बी नो स्क्वायर बेटा, दिस इज x एक्स प्लस x स्क्वायर. यस अन्वेषा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अन्वेषा किसके इक्वल होता है? अनिका, यस सर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इनटू एक्स प्लस ए इनटू बी वेरी गुड, बिल्कुल सही है. आई थिंक उसका माइक ऑफ काम नहीं कर रहा था. ए प्लस बी होल स्क्वायर. यस जियान, यस सर. ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सबने किया हुआ है ना बहुत बार. किसके इक्वल होता है बेटा ये पता है? एक सेकेंड ट्राई कर रहा हूँ रिमेम्बर करने की. ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टू ए आम प्लस टू ए बी. टू. थर्ड आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर. पलक, ए माइनस बी होल स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? पलक बोलो बेटा. तो मैं बताऊं हाँ जी आराध्या. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. इसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी अनिका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नो बेटा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज नॉट द होल स्क्वायर, ओनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस अन्वेशा. सर ए माइनस बी एंड इनटू ए प्लस बी वेरी गुड, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये फोर आइडेंटिटीज तो हमने पहले भी की हैं. इसके बाद बेटा हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी जो आएगी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. थ्री टर्म्स का सम, उसका होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी. यस पलक बता सकते हो बेटा? पलक बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं चुप नहीं रहना. पता है तो भी बता दो, नहीं पता तो भी बता दो बेटा. ठीक है बच्चे? हाँ नहीं पता ऐसे बोल दिया करो. पता क्या है, सामने से बच्चे रिस्पॉन्स मिलेगा ना तभी मेरा कम मतलब आगे करवाने का मन करता है. अगर सामने से बोलेंगे ही नहीं, मैं पागलों की तरह बोलता रहूं फिर वो भी अच्छी बात नहीं है ना. यस जियान, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पता है बेटा आपको? नहीं सर. नहीं पता. अनिका. यस सर मुझे आता है ए हाँ स्क्वायर जी. प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यस प्लस टू इंटू ए बी यस प्लस टू प्लस इंटू ए टू, सी प्लस टू बी सी प्लस प्लस टू टू. इंटू ए सी वेरी गुड, ये आइडेंटिटी बेटा. एक्चुअल में बुक में क्या है, यहाँ माइनस की वह अलग से आइडेंटिटी, पर हम सिर्फ एक ही याद करेंगे, एक ही लर्न करेंगे. ठीक है. सिक्स आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब. यस अन्वेशा. सर ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए यस प्लस बी ए प्लस बी. वेरी गुड. सेवंथ ए माइनस बी होल क्यूब. आराध्या, ए माइनस यस बी होल क्यूब
जहां प्लस है वहां पे माइनस हो माइनस आ जाएगा। जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज की थी। अब कुछ ड्राइव आइडेंटिटीज, ये सेवन आइडेंटिटीज ये हैं। अब कुछ हम ड्राइव आइडेंटिटी करेंगे। नाउ ड्राइव आइडेंटिटीज में, चलो अनिका मुझे ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। वेरी गुड, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हमने यहां से सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो अनिका, तो किसके इक्वल आएगी? टू ओनली दिस टू टू ए बी, उस साइड ए जाके माइनस हो बी जाएगा ना बेटा। माइनस तो ये हमारे पास पहली ड्राइव आइडेंटिटी बन गई, मैंने वन लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैसे कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट ये हमारे पास ड्राइव आइडेंटिटी है। दूसरी बेटा, पलक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बेटा किसके इक्वल होता है बता सकते हो? पलक पलक, अच्छी बात नहीं है बेटा, बोलना पड़ेगा। देखो तो मैं बताऊं तो हाँ राध्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस ये लर्न करनी है पलक जियान, ठीक है? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक माइनस टू ए बी किसके इक्वल? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो किसके इक्वल आएगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बिकम प्लस टू ए बी, माइनस टू ए बी उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस टू ए बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है, ड्राइव आइडेंटिटी। थर्ड ये वाली बेटा, ये दो चीजें, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां देखो बेटा जो मैंने अंडरलाइन किया है अनिका, ये क्या है? डिराइव्ड नो, व्हाट इज दिस, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये राइट साइड जो मैंने बॉक्स में कर दी ये भी आपस में इक्वल होगी ना, तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी बन गई। ये कब यूज करेंगे? जब हमें ए प्लस बी या ए माइनस बी चाहिए होगा। ओके अंडरस्टूड, समझ आया बच्चे? अब फोर्थ वन करने से पहले नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, अभी की थी ना हमने ये आइडेंटिटी दे, ये देखो किसके इक्वल था? ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहां से बेटा हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ज्ञान किसके इक्वल आएगा? पता नहीं सर। यार यहां से देखो ना बेटा, ये वाली टर्म सारी उस साइड चली जाएगी ना, हाँ बस ये ड्राइव्ड हो गई माइनस ठीक थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी आ गई ड्राइव्ड, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये। अब फिफ्थ वाली यहां से ड्राइव होगी इसमें से। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, अन्वेषा किसके इक्वल? सर, ए माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। यहां से बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल? बी होल ए माइनस बी का होल क्यूब, क्यूब। सर, ए माइनस बी होल प्लस 3 ab ए प्लस बी। यस ए माइनस बी बेटा। सर, ए माइनस बी। ये सिर्फ ये साइन चेंज होगा ना उस साइड जाएगा, तो ठीक है बेटा ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी बन गई। ये फाइव आइडेंटिटीज हमने ड्राइव आइडेंटिटीज लर्न कर ली, मतलब उन्होंने फाइंड करने के लिए बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन अगर हमें ए प्लस बी गिवन है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी,
अगर हमें ए माइनस बी की बना है तो ये वाली यूज होगी। हाँ अगर उन्होंने ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी फाइन करना है तो ये वाली यूज करेंगे। थर्ड, ए माइनस बी दे दिया, ए प्लस बी फाइन करना है तो भी ये वाली यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, ए क्यू प्लस बी क्यू फाइन करने के लिए बोल दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू दे आस्क टू फाइन, तो ये वाली यूज करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू फाइन करने के लिए बोला है तो ये वाली यूज करेंगे। समझे बच्चे? लग गया सर। पता? ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 12C। वन मोर थिंग बेटा, जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैंने बेटा आपको शेड्यूल भेजा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लास अटेंड करनी ही करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, कहीं आपने जाना है या कोई बहुत जरूरी काम है, तब आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? हाँ सर। हाँ, अभी फर्स्ट सम क्या है, पीडीएफ मैंने बेटा ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप में। ए प्लस बी, इफ क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ए प्लस बी इज 5 एंड ए बी इज गिवन 6, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, तो मैंने अभी आइडेंटिटीज करवाई थी बाय सर यूजिंग, एक मिनट बोला नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने, क्योंकि लर्न ऐसी होंगी, ठीक है। अब ए प्लस बी गिवन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अनिका अनिका, यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, अभी सर बताया था अनिका ना? आएगा सर उसके क्या था, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अभी ड्राइव की थी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से, क्या होल स्क्वायर अन्वेषा टीम ए क्या? प्लस हाँ हाँ बोलो बेटा। बी होल स्क्वायर माइनस 2 AB। वेरी गुड। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे रहने दो, ए प्लस बी की वैल्यू ये देखो 5 गिवन है, हमें 5 फिल कर देंगे, माइनस 2 ए बी की वैल्यू 6 गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? फर्स्ट 13 13 आंसर हो गया। समझ आया बेटा? सर। नाउ अनिका, यस सर। राजनगर कहाँ पे है बेटा? सर राजनगर यही है एक्चुअली, उस साइड पड़ता है ये। कौन से मतलब स्टेट में है? यहीं पे है, गाजियाबाद के पास में। गाजियाबाद के पास में। ओके, सेकंड सम बेटा, ए माइनस बी गिवन है हमें 6, ए बी गिवन है 16। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो दोनों आइडेंटिटीज जो हमने ड्राइव की थी, पता चल गया अन्वेषा, जब ए प्लस बी गिवन है तो ये वाली लगेगी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से फाइंड करना है तो अन्वेषा कौन सी लगेगी, किसके इक्वल अन्वेषा? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नो नो टू। बेटा, ड्राइव्ड आइडेंटिटी जैसे ये थी ना, सर ए हाँ डिपेंड करता है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें यहाँ पे ए माइनस बी गिवन है तो प्लस 2 AB। देखो ये देखो, यहां से ड्राइव करवाई थी ना मैंने, ये रही, होल। यस और यस नो, तो यस हम सीधा यूज करेंगे बेटा, हम किसी कंफ्यूजन में पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब ए ओके स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 2 ए बी की वैल्यू कितनी है 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 36 प्लस 32 आ गया बेटा, यस सर। व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 इज द आंसर। 92 समझे बच्चे? यस सर। श्योर? अनका अन्वेषा पलक, समझ आया यस बेटा? यस सर। ओके पलक बोला कर बच्चे,
ऐसे चुप नहीं रहना, ठीक है? यस सर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29 एंड ए बी इज 10। फाइंड ए प्लस बी, पहला पार्ट उन्होंने बोला ए प्लस बी फाइंड करने के लिए और दूसरा ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है ना बेटा, यस ए सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29। ए स्क्वायर प्लस बी, ए पहले ए प्लस बी के साथ कोई फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? आराध्या क्या लिख सकते हैं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हम लोग दो फॉर्मूला है ना, ना क्या फाइंड करना है पहले पार्ट में? तो ए प्लस बी सर। ए तो प्लस बी वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बेटा इज इक्वल टू 29, यस ठीक सर। है? यहाँ साथ में साइड पे लिख दो, चाहे चाहे बीच में लिखना है बीच में लिख दो, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके अब ये चीज फाइंड करनी है, ए प्लस बी फाइंड करना है ना, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 2ab की वैल्यू कितनी है? 10 है, इज इक्वल टू 29। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20 इज 29। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आराध्या किसके इक्वल आएगा? जल्दी बोलिए बेटा। सर 29 प्लस 20 इक्वल्स टू 49। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज 49 एंड 49 ए प्लस बी बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर बिकम्स सेवन। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा ना बेटा? यस सर। बोलो। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक मिनट मुझे आंसर चेक करने दो इसका। हाँ मुझे ये बताओ आराध्या, यस फोर्टी सर। नाइन किसका स्क्वायर है सेवन का और किसी नंबर का नहीं है? सर, -7 का भी तो है। हाँ मतलब ये चीज याद रखनी है बेटा, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो उसके बाहर हमने क्या साइन लगाना है? प्लस माइनस। मेरे स्कूल में भी ऐसे ही कराया गया है। बच्चे मैं तेरे को अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 एंड -7 दोनों का है ना बेटा? यस सर, भूल गई थी मैं। नहीं मतलब +7 एंड -7, इसलिए ये चीज याद रखनी है जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो उसके बाहर प्लस माइनस साइन लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। अब ये देख लो कि आपने कट करवाने हैं कि नहीं कटवाने, ठीक है आराध्या? ए प्लस बी, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है आराध्या? तो 7 एंड -7 प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, मैंने सिर्फ 49 का पूछा है तो 7 आ सेवन। जाएगा, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा बेटा मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं दूसरे पार्ट के लिए, या तो हम ये वाली यूज कर लो ये चीज, अगर ये नहीं करनी तो ये भी कर सकते हैं, बताइए क्या करें? यही कर लो, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29। तो अनिका अब मैं ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर को क्या लिखूं बेटा? a माइनस b होल स्क्वायर +2ab। आपकी कौन सी बुक लगी हुई है बेटा स्कूल में? सर हमारी तो आया वो है मैथ्स ऑल द वे, उसकी शेफायर पब्लिशर्स की, तो कौन से पब्लिशर की? शेफायर पब्लिशर्स, अच्छा ये तो कोई नहीं आई है ना। ये मैथ्स ऑल द वे है इसका नाम। ओके 2ab की वैल्यू बेटा 10, 29 29 जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 29 माइनस 20 थर्टीन सीधा लिख दूं बेटा मैं, 10 टू जा 20 होता है, टेन यहीं पे 9 लिख देता हूं। अब ए जाएगा माइनस बी किसके इक्वल आएगा? प्लस √9 दैट इज इक्वल टू +3। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ज्ञान पलक, समझ आया बेटा? यस पलक सर। शुक्र है, पलक बोल पड़ी। पलक आप कहां से हो?
सर गाजियाबाद। अच्छा गाजियाबाद से हो आप। ओके ज्ञान आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटका से। कर्नाटका। ओके बाकी बेटा अनिका पलक ज्ञान कहीं पे कुछ नहीं समझ आता बेटा तभी पूछ लो ठीक है। हाँ यस सर। जैसे हम क्लास में पूछते हैं ना डाउट्स वैसे ही कब जब भी आपको बीच में कुछ भी समझ नहीं आता आप फिर से पूछ लो। मैं चाहे मुझे सारा सम फिर से करवाना पड़े पर मैं करवाऊंगा। हाँ अगर आप ये कहो कि मैं 4-4 दिनों बाद पूछूंगी डाउट या पूछूंगा फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ओके और एक काम और मेरी डिमांड एक ही है कि आपने डेली का काम डेली करना है अगर मैथ को सीखना है अन्वेषा जैसा बनना है ठीक है। किसी ने हाँ नहीं की। सर। हाँ सर। देखो मेरी ये डिमांड पूरी कर दो आप मैथ में टॉप करोगे क्लास में ये मेरी गारंटी है। सर अभी ओके तो मेरे पेपर खत्म हुए थे अभी मैथ्स के में ना हमारा 50 का होता है तो हाँ जी कितने मेरे 50 आए थे 50 आउट ऑफ 50। वेरी गुड। चलो मतलब टीचर्स आपका आपसे पूछे कि ये कैसे होगा ठीक है कोई बात नहीं आपकी स्ट्रेंथ भी अभी इंक्रीज हो जाएगी थोड़े दिनों में क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं 7-8 स्टूडेंट्स और आएंगे। अगर और भी कोई बेटा आपके क्लासमेट्स या कोई और है जिसने करना हो तो उनको भी बोल देना वो ज्वाइन कर लेंगे ठीक है। ओके कोई फ्रेंड्स आपके कोई फ्रेंड्स हो या क्लासमेट या रिलेटिव कोई भी हो। अब फोर्थ सम बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है 10 एंड ए बी गिवन है 3। फिर से वही दो पार्ट्स ए माइनस बी फाइंड करना है एंड ए प्लस बी फाइंड करना है। तो अभी ज्ञान आप बताओगे कि मैं ए माइनस बी कैसे फाइंड करूं इसके प्लेस पे क्या लिखूं बेटा मैं ज्ञान। हाँ सर एक सेकेंड। ए माइनस बी पता नहीं। बोलिए। नहीं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी थी ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है जियान याद रहेगा हाँ सर। याद रखना है इसको। अब आगे से ना बताया ना तो मैं तेरे को कर्नाटका आके पिटूंगा ओके समझे। सर। ओके अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर एज लाइक क्योंकि ए माइनस बी फाइंड करना है 2ab की वैल्यू 3 सेम टू सेम थर्ड सम की तरह ही है बेटा वहां बस ए प्लस बी पहले बोल दिया था ए माइनस बी बाद में बोला था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 6 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 10 माइनस 6 तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। देन व्हाट वी गेट ए माइनस बी यस जियान हाँ यस सर। ए माइनस बी स्क्वायर बिकम्स होल स्क्वायर। नो बेटा होल स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट ना ऑन हाँ दैट स्क्वायर साइड रूट एंड आल्सो प्लस माइनस सिंबल टू इज प्लस रिजर्व माइनस टू ए माइनस बी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। टू। हाँ नाउ आराध्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज देयर नाउ वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिखूं आराध्या सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 10। वेरी गुड हमने तो इसकी आइडेंटिटी लिखी ना ये लिखती तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 10 तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 10 माइनस 6 बिकम प्लस 6 16 एंड ए प्लस बी बिकम्स इक्वल टू रूट 16 एंड प्लस माइनस ए प्लस बी बिकम्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 दिस आंसर। एक सेकेंड बेटा वेट करना
नाउ द फिफ्थ सम, फिफ्थ सम हमें अन्वेषा करवाएगी, ठीक है अन्वेषा? यस फाइंड ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, दिस वन वी हैव टू फाइंड। देखो ए सर, बाय लाइक यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? सर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, किसके सर जो इक्वल? अड नहीं, बुक में जो दी है वो नहीं करनी, इतनी आइडेंटिटीज कितनी लर्न करोगे बेटा आप? ओके मैंने जितनी लिखवाई है सिर्फ वो ही लर्न करो। सर, ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नहीं बेटा, अन्वेशा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर मैंने ऐसे करे थे जैसे ना, ना 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 कि ना, अभी ये ए सीखो, ये इजी है ज्यादा। अभी बताया थी ना, अभी फोर सम्स किए तो है बेटा, फर्स्ट फोर सम्स किए हैं ना हमने, ए याद नहीं हुई है प्लस बी का होल, क्योंकि ए प्लस बी ये है ना बेटा होल स्क्वायर माइनस टू ए। अब जहां ए है वहां पे ए फिल करो, जहां बी है वहां पे वन बाय ए फिल कर दो। ओके, ओके जहां ए है वहां पे ए, जहां बी है वहां पे वन अपॉन ए, इंटू वन अपॉन ए। आपने ये लर्न की थी ना, बोलो। यस ये लर्न की होगी है ना, बोलो सर अन्वेशा। यस सर देखो कहां हमने एक की, कहां हमें कितनी करनी पड़ रही है, अगर हम इसको अलग से याद करेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस वन ओके बाई ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी याद रखो, उसमें ही वैल्यू फिल कर दो, एक स्टेप ही वही आइडेंटिटी बन गई, अपने आप बन गई ना या? अन्वेशु यस इसकी वैल्यू थ्री बेटा, थ्री स्क्वायर माइनस टू दैट इज नाइन, माइनस टू सेवन इज द आंसर। ओके अंडरस्टूड? याद कर यस लिया अब इसको अच्छी तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, बोल मेरे साथ बोल। सर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए हो माइनस बी जाएगा, होल क्यूब प्लस टू ए बी यस प्लस टू ए बी। ठीक है, सर अभी जो सिक्स सम है बेटा वो हमारी दूसरी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, कर लोगे? बताइए सिक्स सम हो जाएगा क्या करूं बेटा मैं? हाँ सर कर अनिका दो वो कर सर। दूं? हाँ हाँ जी आराध्या, सर ML अग्रवाल में भी सर ऐसे ही क्वेश्चन है सर, आप वो मुझे बता देंगे? नहीं क्यों बताऊं मैं, है ऐसे कैसे? तो मुझे नहीं आ रहा था आ जाएगा बेटा जब ML अग्रवाल का आएगा तो तब पूछ लेना, ठीक है सर, आप करवा चुके हैं ML से ना, इसलिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, किसी दिन डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। ओके हाँ जी बेटा ये है, ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है। तो अभी मुझे अनिका करवाएगी, ठीक है अनिका यस क्या करूं? बाय सर, यूजिंग इसमें हम पहले सिंपल सिंपल नहीं लिख सकते, जैसे सिंपल आइडेंटिटी जो रूल होता है वो लिख दिया, उसके बाद जब हम सॉल्व करें तो इधर करके फिर माइनस कर जाए या नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये जो मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ ना, उससे सारे सम निकल जाएंगे, और जो आप बोल रहे हो उससे कोई कोई सम निकलेगा, ठीक है अनिका? ठीक इसलिए मैंने ये आइडेंटिटीज क्यों करवाई हैं, मुझे क्या जरूरत थी ये करवाने की बताइए, ये पांच आइडेंटिटीज। हाँ ठीक है इससे बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इसलिए आपको लग रहा है कि ये टफ है, टफ नहीं है अन्वेषा, दिस दीज आर नॉट टफ, दीज आर सो इजी। ओके एक बार चीज समझ आ ओके गई ना तो उसके बाद आप खुद बोलोगे कि स्कूल वाले टीचर तो पागल हैं क्या करवा रहे हैं।
ये ज्यादा बेटर है बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज देखनी होती है बस कि हमें गिवन क्या है, माइनस भी गिवन है ना, तो ए यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की माइनस वाली आइडेंटिटी है अनिका। सर, ए -1/a² नहीं बेटा फिर वही मतलब चीज, इसकी इसकी सर ए -b² प्लस 2ab। वेरी गुड। ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे यस 1/a, स्क्वायर करेंगे तो 1/a² हो जाएगा ना, सर इस साइड भी ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे वन अपॉन ए यस प्लस टू इंटू ए इंटू 1/a। अब ये तो फाइंड ही करना है हमने, सर इसकी वैल्यू 4 की पावर 16। 2 से 2 के, मतलब मैंने 4 का स्क्वायर सीधा 16 लिख दिया। आप पहले 4 का स्क्वायर लिखना, एक स्टेप में यहाँ पे खा गया, भूख लगी थी मुझे, 18 मैंने खा लिया, ठीक है। 18 दिस इज द आंसर, आ गया समझ? ज्ञान समझ आया बेटा? हाँ सर। ओके नाउ द सेवन सम। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी 1/a² गिवन है 23 के इक्वल, ए प्लस 1/a फाइंड करना है। तो यहां पे पलक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ कौन सी आइडेंटिटी है? नहीं रुक जा, चुप कर जा, चुप 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 चुप। पलक को मुश्किल से तो मनाता हूं मैं। हाँ जी पलक, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी कितने 6 सम्स कर लिए है ना हमने, किसके इक्वल सर था? ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। हाँ वेरी गुड। अब देखो ये ए ये बी। हाँ पलक, आराध्या आप पूछो बेटा, क्या पूछना है? तो ये सेम क्वेश्चन दिया है मेरे बुक में, जो मुझे पूछना था वही क्वेश्चन अच्छा आ गया फिर तो, देख तेरा डाउट हो गया क्लियर। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी के प्लेस पे 1/a², यहाँ पे ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 1/a, -2a × 1/a। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 20, यहाँ पे 23 लिख दो, ये हमने फाइंड करना है, ऐसी रहने दो। ये ए से एक कट गया, -2। अब -2 पलक इस साइड आके क्या हो जाएगा, सर +2 किसके इक्वल? सेम, तेरे +1/a² को पलक मम्मा ने बोला है कि कम बोलना है पलक? नहीं फिर मुझे पता है घर में बहुत शोर मचाती है तू, स्कूल में भी है कि यहाँ पे फर्स्ट डे है इसलिए चुपचाप है। नो हाँ कोई बात नहीं बच्चे, बोलो ठीक है। स्क्वायर बिकम्स, घबराओ मत, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना पलक। यस फिर कोई खा जाएगा तेरे को कि यहाँ पलक ने सर गलत बताया कि यहाँ इसकी गर्दन दबा दो? नहीं ना। नो बोलो, जब जब जितना टाइम बोलोगे नहीं उतना टाइम गलत, जो तुम्हारे दिमाग में गलत है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। नो मैं क्यों यस पूछता हूँ, आपने भी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस कोरोना टाइम में बहुत लगाई होंगी, लगाई है ना पलक, कुछ यस सर समझ आता था? सर थोड़ा अब आज समझ आया है? तो बहुत यही तो डिफरेंस है। ओके यस स्क्वायर, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल बच्चे से पूछता हूँ और उसी से समझ आ जाता है, जब आप बोलोगे तभी आपको समझ आएगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो अब समझ नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट प्लस माइनस, हाँ इतना भी नहीं बोलना कि बेफालतू में बोलना शुरू कर दो कि सर ने तो खुली छुट्टी दे दी हमें बोलने के लिए। दिस इज द आंसर बेटा। ओके हाँ जी अनिका, आपने दो डिवाइस से क्यों ज्वाइन किया है? भाग गई? एक्चुअली सर उसमें ना बैटरी कम हो गई थी तो इसलिए दूसरे से कर रही थी। अच्छा कितने फोन रखे हुए हैं? है फोन से अच्छा, नहीं लैपटॉप से करना था ना फिर इसलिए। ओके तो लैपटॉप से ही ज्वाइन किया करो, अगर लैपटॉप है तो आपके अरे पास। वो एक्चुअली एकदम से जब मैंने लिंक आया तो खुल नहीं रहा था।
अच्छा सर इसलिए टाइम। चलो। हाँ जी बेटा, तो यही क्वेश्चन, अगर माइनस में माइनस साइन करना है तो कैसे ये आ गया नेक्स्ट सम। चल आराध्या, तेरा डाउट अच्छी तरह क्लियर कर देते हैं, ठीक है? ए माइनस वन अपॉन ए फाइंड करना है। तो मुझे यहां पे ये बताओ आराध्या, सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जिसमें वो माइनस वाली है क्या थी? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यही थी ना। अब ए यस के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ना। सर। ए माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन ए, मतलब जहां भी ए था वहां ए फिल किया, जहां बी था वहां वन अपॉन ए फिल किया, सर समझे? अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 11। इलेवन। इसके प्लेस पे हम 11 फिल कर देंगे। ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए से ए कट गया प्लस टू, टू इस साइड आके क्या होगा, जाएगा ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9, एंड स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट। ठीक है आराध्या, फिर तो आपने प्लस और माइनस तो किया ही नहीं वो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ठीक है कि गलत है? तो कह देना था गलत है। यस यस मतलब ये याद रखना, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा? सर। प्लस माइनस 3 इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस वन अपॉन ए। आंसर समझ आ गया बेटा यहां तक? यस सर। नाउ द नाइन्थ सम। अन्वेषा समझ आए ना बेटा? क्या सर। अन्वेषा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलो अन्वेषा। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। और भी किसी के इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यस सर। ए आंसर माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यस। सर हाँ जी आराध्या, जैसे ऊपर से अगर सर 9 की जगह पे सर कोई कोई नंबर आ जाए सर जिसका मतलब कोई भी स्क्वायर रूट नहीं तो था तो रूट में रह कैसे? जाएगा बेटा। मान लो यहाँ 5 आ जाता यस या सर। 13 आ जाता, मान लो प्लस 2 हो जाता, 13 आ जाता, तो रूट में प्लस माइनस रूट 13 आ जाता आंसर, ओके सर। तो रूट में छोड़ देते। नाइन सम, अब हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है 38। फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड करते हैं। हाँ जी ज्ञान, ये देखो ये है ना ज्ञान, कहाँ चले गए अनिका? यस सर। ए प्लस बी प्लस सी 10 है ना बेटा, स्क्वायरिंग यस बोथ साइड्स इस टाइप के सामने, सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड सिर्फ इसका, इसका नहीं ये अलग पड़े रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या आएगा अनिका? आएगा ए स्क्वायर ना प्लस ये क्या लिखा है, सर 10 स्क्वायर। मतलब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इसमें होल स्क्वायर हो गया, इसमें 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पहले भी अनिका ने नहीं बताई थी, अब नहीं बतानी, अब आराध्या बताएगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है आराध्या? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी सॉरी, 2AB प्लस 2BC प्लस सॉरी। 2CA, ठीक है? यस सर। अब इसकी वैल्यू बेटा गिवन है हमें कितनी, 38, यस इसके सर। प्लेस पे 38 लिख देंगे। इन तीनों में आराध्या कुछ कॉमन है?
सर टू टू कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेरी गुड, इज इक्वल टू 100. अब 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज लाइक 100, 38 को उस साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा. तो यहां से बच्चे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ गया, माइनस किया 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 6, 2 कहां चला गया, नीचे कट किया, 31 आ गया. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, 31. ये हमारा आंसर आ गया. फिर से देखो बेटा, हमें a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स का सम गिवन है ना, और ये गिवन है, ये फाइंड करना है. तो स्क्वेयरिंग कर दिया, तो स्क्वेयरिंग में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. मतलब इसके नीचे ये आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया. इसकी वैल्यू 38 है, 38 लिख दिया. इन तीनों में 2 कॉमन, ये बच गया. 38 पहले उस साइड जाके माइनस होगा, 62, फिर 2 नीचे आएगा, 31. तो ये हमारा आंसर आ गया. समझ आ गया पलक? सर निशा? हाँ राध्या. इसको बस इसी मेथड से कर सकते हैं, और कोई दूसरा मेथड नहीं है? और कोई नहीं है. ओके सर. नेक्स्ट सम सेम है बेटा, वो मैं नहीं करवाऊंगा. उसमें जैसे इसमें क्या था, हमें ये गिवन था, ये फाइंड करना था. अब ये गिवन है, ये फाइंड करना है, सेम प्रोसेस करना है हमने. कर लोगे? टेंथ इलेवन सम, चलो मैं कर देता हूँ. टेंथ सम ट्राई करना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना. ठीक है. पहले अब इलेवन सम, इलेवन सम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है. गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 गिवन है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना गिवन है, 71 गिवन. यहां पे ना सीधा आइडेंटिटी लिखेंगे बाय यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. पलक पलक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा किसके इक्वल था, ए स्क्वायर बोलो, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c. शुक्र है पलक बोली, थैंक यू पलक, मेरे मार्क्स आ जाएंगे आप बोल पड़े हैं पलक. हाँ जी, अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे. यहां तक वैल्यू हमें गिवन है ना 83, यहाँ पे 83 लिख देंगे. इन तीनों में पलक क्या कॉमन है, सर टू, क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. भाई जैसे ना मजबूरी में बोलना पड़ रहा है ना पलक है, पलक yes, मजबूरी तो नहीं है कोई, नो ओके कोई बात नहीं. फर्स्ट डे मेरे से डर लगता है, बाद में मिक्सअप हो जाते हैं सारे, है ना अन्वेषा? है अन्वेषा? अन्वेषा चली गई. आराध्या? यस सर. पहले दिन ही डर लगता है ना, उसके बाद तो मिक्सअप हो जाते हैं सारे. यस सर. 83 2 7 2 जा 14. अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐड किया बेटा 3 टू 5 8 4 225. पलक आपको बताए बेटा 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7. पता है कि नहीं पता? कोई बात नहीं, निकाल दो, निकाल के बता दो कितना होता है. सर 5. 15. सर 15 होता है. ठीक है, कितना होता है, 15 होता है. ओके अब नेक्स्ट सम बेटा,
ट्वेल्थ सम, ए प्लस बी गिवन है 6, ए बी गिवन है 8, और हमने फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैं फिर से बेटा आपको ड्राइव आइडेंटिटी दिखाता हूं एक बार, ये वाली एक ये याद करनी है और दूसरी ये याद करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी हाँ ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग ए क्यू प्लस बी क्यू। ज्ञान किसके इक्वल था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ओके ओके सर। अब इसकी वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, ऐसी रहेगा यहां पे बेटा ए प्लस बी की वैल्यू 6 का क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू 8, ए प्लस बी के प्लेस पे 6, 6 का क्यूब कितना होता है ज्ञान, 216, 24, 24, 6 are 144, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आ गया, 6 minus 4, 2, 11, 72, दिस इज द आंसर। ओके समझ आया बेटा, सिंपल देखो फॉर्मूला लगाया उसमें वैल्यू फिल के आंसर आ गया, लग गया पता, यस सर। नाउ 13 सम, ए माइनस बी गिवन है हमें कितना 3, ए बी कितना गिवन है 10, और हमने फाइंड क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हमने फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, अनिका क्या थी ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ड्राइव आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल क्यूब, वेरी गुड, प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब ऐसे रहेगा, इसके प्लेस पे 3 फिल हो जाएगा, 3, ए बी के प्लेस पे 10 आ जाएगा, ए माइनस बी के प्लेस पे 3 आ जाएगा, 3, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है अनिका, 27, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर 90, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एड किया 170 इज द आंसर। आ गया समझ बेटा, बोलो। नाउ 14 सम, ए क्यूब प्लस 1/a³ हमने फाइंड करना है, और गिवन क्या है, ए प्लस 1/a गिवन है, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो पलक यस सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बेटा अभी की थी हमने, कोई बात नहीं पलक, कोशिश करो बेटा सर, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस 3ab, और साथ में ए प्लस बी, ठीक है पलक, याद रहेगी। अब ए के प्लेस पे ए बेटा, 1/b के प्लेस पे 1/a, तो यहाँ पे भी ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3
ए इंटू वन अपॉन ई, साथ में ए प्लस वन अपॉन ई। अब इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, फाइव, फाइव का क्यूब, ए से ए कट गया माइनस थ्री, इसकी वैल्यू फाइव, तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब किसके इक्वल आ गया, 5 क्यूब 125 माइनस 15, तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बिकम्स इक्वल टू 110। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बेटा? यस सर, पलक, यस सर, अनिका, आराध्या, ज्ञान, समझ आया बेटा? ये यस सर। वाला सम बेटा तुम अपने आप करोगे। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, जैसे इसमें लगी थी ना 13 में, सेम ट्राई करोगे। 16 सम, क्वेश्चन नंबर 16। 2x माइनस वन अपॉन 2x इज गिवन, फोर। हमने दो टर्म्स फाइंड करनी है, एक तो 4x² प्लस वन अपॉन 4x² फाइंड करना है, और दूसरा 8x³ माइनस वन अपॉन 8x³ फाइंड करना है। देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, मतलब 8² + b² ये 8³ - b³। तो पहले बाई यूजिंग a² + b² यस आराध्या, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे सर, बोलिए। वेट सर, a + b ये क्या दिया है? सर, a - b² नहीं, ये क्या प्लस दिया है पहले तो मुझे ये बता। माइनस तो प्लस वाली क्यों लगाएंगे, माइनस वाली ही लगाएंगे, ठीक है? यही चीज तो है इसमें, यही तो ध्यान रखना होता है, यही मतलब कंसंट्रेशन की गिवन क्या है। मैं पहले स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी लगेगी। प्लस 2ab यही है ना? यस सर, अब जहां ए है वहां पे क्या लिखूं मैं? सर वहां पे लिखेंगे 2x² + 1/2x² हाँ, जहां पे ए है वहां पे 2x आ जाएगा, जहां बी है वहां पे 1/2x। अब इस साइड भी, जहां ए है वहां 2x, जहां बी है वहां पे 1/2x² प्लस 2 × 2x × 1/2x। अब देखो, 2x² 4x², 1/2x² 1/4x², इसकी वैल्यू कितनी है, फोर, तो 4 का स्क्वायर, 2x से 2x कट गया प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 4x² + 1/4x² इसके इक्वल आ गया, सर 18। 16 + 2 दैट इज 18 इज द आंसर। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अभी अनिका जल्दी से यस बताइए, बता सकते हो कौन सा सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? सर ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब 3ab कोई बात नहीं, लर्न हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट डे था इसलिए नहीं लर्न हो रही, ठीक है? जहां ए है वहां 2x, जहां बी है वहां पे 1/2x, -3, जहां ए है वहां 2x, जहां बी है वहां पे 1/2x, 2x - 1/2x। अब ये 8x³ बन गया, -1/8x³, इसकी वैल्यू हमें स्टार्टिंग में गिवन है कितनी, 4, 4 का क्यूब, 2x से 2x कट गया, ओनली 3 बच गया, इसकी वैल्यू अगेन 4, 4 का क्यूब 64 -12 किसके इक्वल, 8x³ -1/8x³, 8x³ -1/8x³ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 4 - 2 2 6 - 1 5, 52 इज द आंसर। ये हमारा 16 सम हो गया। सो अब जो, हाँ जी बेटा,
मुझे 13th वाला क्वेश्चन फिर से समझा देंगे? 13th वाले में क्या है बेटा? देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ड्राइव आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस सी ए बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, 3 का क्यूब प्लस 3 ए बी की वैल्यू 10 गिवन है, 10 लिख दिया, ए माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया, इसको कैलकुलेट किया। सर ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू सर क्या है? सर यहाँ पे ये अन्वेषा है, ये अन्वेषा का ब्रदर है, ये अन्वेषा के फादर है, तो सामने तो है। बट सर ये सर आपने यहाँ पे -3 ये भी लिखाया है, और यहाँ पे सर आपने कुछ और लिखवाया है। सर लास्ट क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन देखिए ना। ना देख, अच्छा यहाँ प्लस आना था, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ प्लस आएगा, तो मुझे लगा मैं गलत लिखी हूँ। नहीं सही लिखा है, ए माइनस यहाँ पे प्लस था, ठीक है ठीक ओके सर, है, समझ यस सर। आ गया बेटा। अब जो 17 एंड 18 सम है ये आप खुद ट्राई करोगे, अंडरस्टूड? मतलब ये सारी की सारी एक्सरसाइज अब आपने कंप्लीट करनी है, कल ही हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और उसके बाद एम एल अग्रवाल में से एक चैप्टर शुरू करेंगे, हो जाएंगे ना ये, ट्राई करोगे? यस सर, अनिका, पलक, यस सर, पलक आपकी बुक कौन सी है, स्कूल में कौन सी बुक लगी आपको, सरदास कौन सी? गुप्ता, हे दास गुप्ता, यस ओके, वो तो सर, मेरे पास सर, पड़ी है, वो भी मैं करवा दूंगा अगर टाइम मिला तो मुझे, ठीक है। ओके सर। ज्ञान, आपको कौन सी लगी हुई है स्कूल में? सेलिना सर, सॉरी नहीं है, ओके, तो चलो आज के लिए इतना एनफ है, कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके बाय। बाय सर, और ये बाय काम सर। करना है सबने, ठीक है, ओके बाय बेटा।